तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बड़ी अपडेट है, खासकर डीएलएड के संदर्भ में। आप लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भैया डीएलएड के जो स्टेट रैंक है वो कब आएंगे, कितने स्टेट रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ये सारे कंफ्यूजन्स आपके बने हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, वीडियो के माध्यम से जो है आपके प्रत्येक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं आपके बीच में सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि रैंक कार्ड देख लो, ठीक है। आप रैंक कार्ड के बारे में बिल्कुल हमसे पूछ रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रैंक कार्ड आपके बीच में यहाँ देख सकते हैं लगा है, ठीक है। अभी इस रैंक कार्ड को हम आपके बीच में दिखाएंगे और यहाँ जो आपका डाउट से भैया इतने रैंक तक जो है मिलेगा डायट, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जो मेरिट है ना, आपकी जो मेरिट है वो कितनी होनी चाहिए, और मेरिट के साथ साथ भाई आपके मेरिट के आधार पर ही आपका रैंक कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है। आप कितने रैंक तक आपकी रैंक बनती है तो आपको जो है डायट कॉलेज मिल सकता है, या आप एक शब्द में कहें तो आपकी मेरिट जिसके अकॉर्डिंग होगी भैया उसी के अकॉर्डिंग आपके जो रैंक बनेगी, है ना। तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। आप चॉइस फिलिंग, ठीक है, यानी जब काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा तो उसमें आता है एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, है ना। तो आप चॉइस फिलिंग को कैसे करेंगे, कॉलेज को वरीयता आप किस आधार पर देंगे, बिल्कुल इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। एक और विडंबना है, एफिडेविट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी शपथ पत्र अगर कहा जाए तो भैया शपथ पत्र हमारा कब लगता है। हालांकि इस मुद्दे पर हम एक दिन पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है, और एफिडेविट आपका कब लगता है, लेकिन कुछ लोग देखे हैं कुछ लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आज के इस वीडियो में इसको हमने नए सिरे से लिया है, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि भैया एफिडेविट आप कब लगाएंगे, क्यों लगता है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ बड़ी चीज आपके बीच में ये है, लोग वायरल कर रहे हैं कि भैया डायट से हमारा फॉर्म जो है वो करेक्शन हो जाएगा। जिनका फॉर्म किसी कारणवश त्रुटि हो गई है वो हमसे पूछ रहे क्या फॉर्म हमारा संशोधन होगा। लेकिन और भी सोशल मीडिया पर हमने देखा लोग आपको बता रहे हैं कि आपका फॉर्म अगर गलत हो गया है, ठीक है, तो आप डायट से अपने फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में फॉर्म आपका डायट से सही हो जाता है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहां देख सकते हैं डीएलएड सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, है ना, एक डाउट आपका ये बना हुआ है। लोग क्लास के बारे में पूछते हैं भैया क्लास कहाँ जाना पड़ेगा कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे नियमता अगर देखा जाए तो आप अगर डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो डीएलएड आपका रेगुलर होता ही है ना। इसमें आपको क्लास जाना बिल्कुल कंपलसरी, इसमें आपको छूट नहीं मिलती है। बट यहाँ थोड़ा सा जो प्राइवेट विद्यालय है वो आपको थोड़ी बहुत सहूलियत देते हैं, आप कभी नहीं जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती, बट गवर्नमेंट में आपको रेगुलर क्लास जाना ही जाना है, इसमें शक संशय नहीं है ना। देखिएगा यहाँ 100% सत्य, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या यहां से जो वीडियो आपके बीच में दिया जा रहा है क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपके एडमिशन से संबंधित जानकारी आपको ठीक नहीं दी जा रही, प्लीज इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। भैया एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, हम आपका एडमिशन 50,000 में करवा रहे हैं, ठीक है, आपका एडमिशन 50,000 में हो रहा है, कहां मैंने आपको बताया, अभी इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो है फिरोजाबाद में, ठीक है, 50,000 में। लेकिन इसमें 50,000 में कुछ और फीसें आपकी इंक्लूड हैं, ठीक है, अधिकतम 8,000 रुपए, है ना। अब आप इस चीज के लिए अभी मैं 8,000 रुपए क्यों नहीं बताता, क्योंकि वो 8,000 मेरी फीस नहीं है ना। आपको अधिक जानकारी चाहिए इसके लिए, ठीक है, तो आप फोन करिए हमारे पास 94-52-33-10-53, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए, पूरा विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन एक शब्द कहकर आप जब पुकारते हैं, ठीक है, कि आप भी दलाली का काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दलाल तो वो होते हैं, ठीक है, जो आपसे 50,000 कॉलेज वाले कह रहे हैं, ठीक है, जो आपसे 60,000 लूंगे, ठीक है, जो आपसे 50,000 कॉलेज वाले फीस लेंगे, बट हम आपसे 60,000 की डिमांड करें, यानी 10,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा हम मांग लें, लेकिन मेरा ये काम नहीं है, ठीक है। आपसे मैंने कहा है, ठीक है, अगर हम 50,000 रुपए से 1 रुपया एक्स्ट्रा आपका ले लिए, आप मुझे जो नाम चाहे वो नाम दे दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है, लेकिन 1 रुपया कम भी हम आपसे नहीं लेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक
ठीक है। इसलिए ये सब सारी चीजें जो आप कहते हैं भैया, ठीक है, वो मेरे हिसाब से निराधार है। ठीक है, हम बिल्कुल आपके बीच में एकदम होता नहीं, एक स्वच्छ दिल से हम काम कर रहे हैं। ठीक है यार, इतनी चीजें फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि आप क्या करें, कैसे करें आपको, ताकि एडमिशन से संबंध में कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, ओपनली अगर हमको ये करना होता तो मुझे आप बताओ, हम भी सीट बुक कर रहे होते लोगों की तरह, है ना। लेकिन हमने आपसे कभी नहीं कहा है कि चलिए आप मेरे कॉलेज में आइए, सीट को बुक कर दीजिए। जितने लोगों का मैंने डाटा रखा है, ठीक है, संभवतः मेरे पास 80-90 लोगों का डाटा आ चुका है ना। लेकिन हमने किसी भी बच्चों से ये 1 रुपए की डिमांड नहीं किया। मैं उनसे यही कहता हूं, भैया आप अपना डाटा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप और जगहों पर पता कर लीजिए, आप अभी स्वतंत्र हैं। डाटा आपने भेजा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन मेरे यहां हो ही गया, नहीं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जहां एडमिशन लीजिए, लेकिन अगर आप डाटा हमारे पास भेज दिए तो मैं आपसे एक बार कॉल करूंगा। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो लीजिएगा, नहीं लेना है तो मत लीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अगर जो इंसान सच्चे दिल से आपके बीच में लगा हुआ है, मेरी सीटें एक भी खाली नहीं जाती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 150 सीटें हैं मेरे विद्यालय की, लेकिन एक सीटें खाली नहीं जाती भैया, है ना। मुझे ये काम नहीं है, मैं जितना कह देता हूं उतना मैं आपके बीच में करता हूं, 1 रुपया आपसे मैं खाकर नहीं बैठता हूं। ठीक है, कल शाम को कोई कह रहा था आप मेरा 50,000 रुपये खा गए हैं जब लाइव चल रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें यहां नहीं बताई जा सकती। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल स्वच्छंद दिल का हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे आप बताओ यार, किसी को कोई 50,000 रुपया खाकर वो हजम कर लेगा, बताओ कोई डाइजेस्ट कर लेगा। मैंने तो उनसे डायरेक्ट कहा, भैया आप जो चाहे मुझे कर दीजिए, आप प्रूफ तो दीजिए कि मैंने आपका 50,000 खाया है। ठीक है, ऐसे से लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करते हैं, लेकिन फिर आप लोगों के कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जैसे लगता है कि नहीं यार उन चीजों को नजरअंदाज किया जाए, है ना। तो बहरहाल छोड़िए उन लोगों को, है ना। तो आप स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है कि आपने डाटा हमारे पास भेज दिया तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मत लीजिए एडमिशन, कोई आपत्ति नहीं, जिनको लेना होगा वो लेगा। ठीक है, चलेगा। यहां देख सकते हैं आप हमसे रैंक कार्ड की डिमांड कर रहे हैं, भैया रैंक कार्ड का जो फोटोज होता है, ठीक है, अभी रैंक कार्ड आपकी आई नहीं है। ठीक है, रैंक कार्ड आपकी 28 तारीख को आ जाएगी। जो चीजें हम लोगों को पीएनपी से बताई गई वही मैं आपको बता सकता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताता हूँ। ठीक है, जो सूचनाएं हम लोगों को 28 तारीख को मिली है कि 28 को आपकी रैंक कार्ड आ जाएगी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब 28 के अलावा 29 कर दें तो ये अलग का मामला है, लेकिन अभी तक की सूचना के अकॉर्डिंग 28 इन्होंने कहा है। आज आपके आवेदन फॉर्म के फाइनल प्रिंट लेने की अंतिम तिथि है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फाइनल प्रिंट नहीं निकाला है तो प्लीज आज फाइनल प्रिंट निकाल लीजिए, उसके बाद आप फाइनल प्रिंट नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। रैंक कार्ड अभी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, ठीक है, उस पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और आप हमसे पूछ रहे हैं भैया इतने रैंक तक, यानी कितने रैंक तक हमें डायट कॉलेज मिल जाएगा। आपके यहाँ 10,000 जो है 10,600 सीटें हैं। ठीक है, 10,600 सीटें हैं। अब आप कहते हैं कि कितने रैंक तक मिलेगा, देखिए अधिकतम अगर हम बात करें तो 15,000 रैंक तक मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी 20,000 रैंक तक भी मिल जाता है ना। क्योंकि जब डायट लेने वालों की संख्याएं कम होंगी भैया, तो ऐसे में तो 20,000 रैंक क्या 25,000 वालों को भी मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट राउंड की बात करें तो जिनकी रैंक, ठीक है, जैसे 1 से 20 हजार तक अगर ये काउंसलिंग करा रहे हैं तो अधिकतम जो है 15,000 तक, क्योंकि सीटें आप देख सकते हैं, इन सीटों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अगर इसमें से हर कोई चाह ले, ठीक है, हम डायरेक्ट ही लेंगे तो दूसरे फेज में किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें से एक अगर 20,000 तक ये काउंसलिंग करा रहे हैं फर्स्ट फेज में, तो ऐसा नहीं कि सब लोग डायरेक्ट ही चाहते हैं। ठीक है, अधिकतर प्राइवेट को ही सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये आपकी मर्जी है, इतना आप मानकर चलिएगा कि अगर आप 15 से, ठीक है, मैंने 15 बताया, बट अगर 15 से 20 हजार रैंक तक आपकी रैंक है ना, तो आप डाइट के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब देखिएगा यहां इन चीजों को हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। आगे अगर हम बात करें आपके बीच में, देखिएगा देख सकते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में हमसे कह रहे थे, अभी काउंसलिंग ये मानकर चलेगा कि 2 तारीख के बाद ही होगी। ठीक है, 1 से 2 तारीख के बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी। अब बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। मैंने आपसे कहा है चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप बिल्कुल इस चीज को नोट कर लीजिए कि आपको कितने कॉलेज लॉक करने हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आपको 5 कॉलेज लॉक करना है, तो आप
अब वरीयता क्रम में कॉलेज को लिख लीजिए। पहला कॉलेज हमको ये लॉक करना है, दूसरा ये लॉक करना है, तीसरे पर हमें ये लॉक करना है, चौथे पर ये, पांचवे पर ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें पांचवे पर जो लॉक करना हम ले जाकर पहले पर कर दे, नहीं। एक आपको जो सबसे फेवरेट कॉलेज मेरा पहला है तो हम पहले पर लॉक करेंगे, उसके बाद चलिए हमको ये नहीं मिलता है तो हम इसको लॉक कर देंगे, ये मिल जाएगा तो हमें बेहतर होगा, अगर ये भी नहीं मिलता तो चलिए हमको तीसरे पर ये कॉलेज मिल जाए, ये वरीयता क्रम होता है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हमें एक ही कॉलेज लॉक करे तो हमको क्या दिक्कत होगी, यार आप एक कॉलेज नहीं कई कॉलेज लॉक करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक कॉलेज को लॉक करें, जैसे आप मेरे कॉलेज की बात कर रहे थे कि भैया अगर हमसे जो है एक ही हम कितने कॉलेज लॉक कर सकते हैं अगर आपका कॉलेज हमें चाहिए। ठीक है, अगर मेरा कॉलेज आपको चाहिए तो सिर्फ आप एक कॉलेज को लॉक करिए, ठीक है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, आपको सेकंड राउंड में ये कर देंगे, पैसा आपका जो 5,000 जमा है, हालांकि ये रिफंड तो नहीं होगा बट आपको दोबारा से पैसा देना भी नहीं है ना, उसी 5,000 में आपको सेकंड फेज में करेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप मेरा कॉलेज लॉक करें आपको ना मिले, ठीक है। तो इसलिए जो है इन चीजों को चक्कर छोड़िए, ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए आप कॉलेज का सिलेक्शन कर लीजिए, कॉलेज कोड सहित, ये कॉलेज कोड है, ठीक है, ये कॉलेज का नाम है, हालांकि वहां कॉलेज कोड और कॉलेज का नाम आपके बीच में आता रहेगा, सीरियल से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग का तरीका होता है ना। बाकी कुछ और डाउट्स आपके हैं, फीस वगैरह के बारे में हमसे पूछ रहे थे कि भैया फीस कैसे लगती है, ठीक है, तो फीस का जहां तक सवाल है अगर हम आपके बीच में बताएं तो 5,000 रुपये आपकी फीस है, जो कि यहाँ 5,000 रुपये जो लगेगा, ठीक है, जो 5,000, एक तो काउंसलिंग शुल्क है, ठीक है, एक आपकी अलॉटमेंट शुल्क है 5,000। आप काउंसलिंग कराने सबसे पहले साइबर पर विजिट करेंगे, ठीक है, तो पहले आपको 5,000 देना होगा, उसके बाद आपने कॉलेज को चॉइस किया, कॉलेज मिल गया, फिर से आपको 5,000 देना होगा, है ना, यानी टोटल 10,000 देने के बाद आपको अलॉटमेंट जो है रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, आप वही लेटर लेकर कॉलेज में चले जाइए अपने संबंधित दस्तावेज के साथ, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप परेशान मत होइएगा, हर कदम पर हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा एफिडेविट क्यों लगता है। देखिए एफिडेविट तो एक लगता है, जैसे आप अपने नजदीकी तहसील से बनवाएंगे भैया, है ना, वहां जाएंगे उनसे बोल देंगे भैया हमको एक एफिडेविट है वो दे दीजिए, वो आपको बना कर दे देंगे, जिसमें ये आप ये प्रूफ करते हैं कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म में लगाया है वो बिल्कुल सही है। अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति, किसी भी प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार की हम फ्रॉडबाजी करते हैं तो मेरा जो अभ्यर्थन है, जो आवेदन है, वो आप स्वतः निरस्त कर सकते हैं, इसके संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना, ये चीज आप प्रूफ करते हैं। बाकी कुछ और ये एफिडेविट लेते हैं, जैसे आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, किसी भी विद्यालय की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, मेरे विद्यालय में ओरिजिनल आपका नहीं जमा होता है ना, मैं आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाऊंगा, वेरिफिकेशन करवा के आप लेके चले आइए, बट जहां भी एफिडेविट, जहां भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद उनसे एक प्रूफ आप ले लीजिए, ठीक है, कि भैया हमको एक प्रूफ दीजिए आपने मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखा है, नहीं दे रहे तो आप मत दीजिए उन्हें, क्योंकि आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है चलिए वो डॉक्यूमेंट्स आपका जमा कर लिए, कल का उनका आपका डॉक्यूमेंट्स उनके पास से खो जाए, वो तो कहकर निकल जाएंगे हमने तो आप हाँ जो आपने तो हमको दिया नहीं था, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक, इसलिए उनसे प्रूफ लेना बिल्कुल जरूरी है कि हाँ हमने इतना डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है अपना ओरिजिनल, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कभी खो जाता है उनके उनसे ही, ठीक है, तो उसके उत्तरदायी तो कम से कम वो होंगे, आपको बनवाकर तो वो देंगे, है ना, तो ये सब सारी समस्याएं आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी चीजें हम आपको लगातार बता रहे हैं, एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल है नहीं, ठीक है, बाकी आप परेशान मत होइएगा। अब देखिएगा डायट से फॉर्म करेक्शन का जहां तक सवाल है, अगर छोटी छोटी गलतियां हैं, ठीक है, जैसे नाम वगैरह में एक आध मिस्टेक हो गया है ना, हालांकि वो क्षमा तो नहीं की जा सकती, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो सच्चाई है, फॉर्म की त्रुटियां तो एक भी करेक्शन योग्य नहीं है, लेकिन डायट की थोड़ी बहुत सहूलियत होती है कि वो करेक्शन अपना करके, ठीक है, वेरीफाई आपका फॉर्म कर देते हैं, अगर डायट से वेरीफाई हो गया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, फॉर्म जब भी रिजेक्ट होता है आपके संबंधित डायट से ही होता है, ठीक है, आपके जिले का, जैसे आप इलाहाबाद से कर रहे हैं, इलाहाबाद के, इलाहाबाद जिले में जितने भी कॉलेज हैं डीए लड़के, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर इलाहाबाद डायट पर आएंगे, ठीक है, तो यहीं से आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, जो भी प्रक्रिया होगी यहीं से होगी, है ना,
अप्रूवल प्रैक्टिकल नंबर जो भी नंबर होगा सब डायट से ही होता है ना। तो इसलिए फॉर्म में करेक्शन तो हो नहीं सकता है, बट डायट से कभी कभार डायट के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो थोड़ी बहुत आपके लिए सहूलियत बरत देते हैं। जैसे एक एफिडेविट वगैरह लगाकर जैसे कुछ त्रुटियां आपने कर दिया है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रिस्की काम है ना, ये रिस्क है इसमें। अभी आप पेमेंट कर दिए, पता लगा फर्म में आपका रिजेक्ट हो जाए तो पैसा वैसा सब डूब जाता है ना। तो एफिडेविट उसमें लगता है कि भैया हमने ये चीजें गलती की है, ठीक है, हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये है, आप मिलान कर लीजिए, हम किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं खड़ी कर रहे हैं, ठीक। ये एफिडेविट अगर इन्हें दे देते हैं, एफिडेविट कई तरह के लगते हैं, है ना, फॉर्म गलत कर दिए उसका भी एफिडेविट आप देंगे, आपने जो आप एडमिशन ले रहे हैं उनका भी जो एफिडेविट देंगे, ये सब सारे एफिडेविट लगते हैं, है ना। प्रोफार्मा आप पूछेंगे कि प्रोफार्मा आप अपने जो है तहसील पर जाएंगे तो वो खुद आपको लिख कर दे देते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा भैया, डायट से आपका फॉर्म करेक्शन नहीं होता है, बट अगर पॉसिबल होता है थोड़ा बहुत अगर एफिडेविट वगैरह लेकर ये कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में ये रिस्की काम जरूर होता है, है ना। ये कंफर्म कोई नहीं कह सकता, भले ये लोग कह रहे हैं कि आपका फॉर्म चलिए करेक्शन हो जाएगा, लेकिन फॉर्म करेक्शन भैया नहीं होता है, है ना। इसलिए आप एडमिशन लेने से पहले बिल्कुल आप सावधान हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा, उनसे संपर्क कर लीजिए भैया फॉर्म हमारा। वैसे कॉलेज वाले तो ये कभी नहीं कहेंगे कि हम आपका संशोधन नहीं करवा पाएंगे, कुछ कॉलेज वाले ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं जो कह देते हैं कि हम आपका संशोधन करवा लेंगे, ठीक है, वो करवा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं एडमिशन ले लेते हैं। अभी पिछली बार की बात बताएं, अदर स्टेट के लोगों का एडमिशन कहीं कहीं ले लिए थे, लेकिन बाद में चलकर उनको तो ये पता नहीं था कि यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है, बाद में चलकर उनसे वो यूपी का निवास मांगने लगे, ठीक है। मुझे बताओ यार, आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी का निवास आप कहाँ से देंगे, है ना। तो ऐसे में तो फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट होना ही होना है, बाकी आप पैसा कहेंगे तो पैसा तो हम तो कहकर निकल जाएंगे कि आपका फॉर्म तो हम पैसा तो डायट पर जमा कर दिया है, ठीक है। तो ये सब सारी दिक्कतें आए दिन देखने को मिल रहे हैं तमाम कॉलेजों में, इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप कहीं भी एडमिशन लीजिए आप कम से कम सावधान हो जाइए, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। मेरा रोल बस इतना है, मैं आपको पर डे एक एक सूचनाएं प्रोवाइड कर रहा हूं, पर डे एक एक जानकारी दे रहा हूं। अब आप जानबूझकर गलतियां करें, ठीक है, तो वो गलती नहीं होती। जैसे एक तो कहावत नहीं है कि सांप को मुंह में आप जबरदस्ती उंगली डालिए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या ही होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, बट आप इस चीज को हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बाकी आप कुछ लोगों के डाउट्स इस बात के हैं कि हम भैया सरकारी से करें, मेरिट अच्छी है इनकी, ठीक है, हम सरकारी से करें कि प्राइवेट से करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकारी से करेंगे तो आपको रेगुलरिटी रहनी पड़ेगी, प्राइवेट से करेंगे तो थोड़ी बहुत सहूलियत आपको मिलेगी, बस इतना ही अंतर हम आपको बताएंगे। फीस का जहां तक सवाल है, 41,000 रुपये फीस गवर्नमेंट प्राइवेट की है, 200 रुपये गवर्नमेंट की फीस है, बाकी प्राइवेट की फीस और तरह तरह की होती है, गवर्नमेंट की फीस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब हम आपको कुछ और दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं स्टेट रैंक आपकी लगी हुई है, इस चीज को हमने कल भी आपको दिखाया था, ठीक है, देख सकते हैं आपके हाई स्कूल के आधार पर है, इंटर के आधार पर और ग्रेजुएशन के आधार पर है। इनकी रैंक महोदय की 1,07,063 बन रही है, ये 100% जो है, ठीक है, ये 100% ये प्राइवेट के लिए एलिजिबल है, इनको सरकारी कॉलेज किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में और भी चीजें दी जा रही है, देख सकते हैं फाइनल प्रिंट आवेदन के सब कर दिए हैं तो फाइनल प्रिंट लाना अनिवार्य है। यहाँ देखिएगा 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस की बात की जा रही है कि नहीं, कैंडिडेट हैव ए पे सीट अलॉटमेंट फीस जो है ₹5,000 ओनली, ठीक है, बिफोर चॉइस फिलिंग पर शेड्यूल डिसाइडेड बाई DLED अथॉरिटी, ठीक है, यानी आपको शेड्यूल के अनुसार 5,000 पेमेंट हर हाल में करना है। 5,000 का पेमेंट जैसे ही आप इस लिंक पर विजिट करेंगे, ठीक है, वो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन बताया था, 5,000 जैसे ही आप पेमेंट इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे और कॉलेज को आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि चलिए हमको ये कॉलेज चाहिए, ठीक है, चलेगा। ये आपने देख लिया और यहाँ देख लीजिए, ये तो आपने पहले ही देख लिया था बट इस पर अब हम ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। टोटल आवेदन की संख्या यहाँ देख सकते हैं जो है 3,54,904 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 3,26,000, ठीक है। तो बाकी अभी कल भी आपको मौका मिला था,
कल परसों आपको मौका मिला था शुल्क जमा करने का, आप कितने लोग, अब ये देखिए कल आंकड़ा इसका निकल कर आएगा। ठीक है, तो जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आप सभी को बता देंगे। ठीक है, बट उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपके बीच में दे रखा, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।